أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا قرآن کریم 15 سپارہ سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل اللہ رب العزت نے اس سورت کے شروع میں آغاز میں ہی ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سفر کروایا اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک وہ مقام جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں نازل فرما رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی آیات دکھلائیں یہ کون سا مقام ہے کون سی جگہ ہے اور اس کا مقام اسلام کی نظر میں کیا ہے اس سلسلہ میں اگر تھوڑا سا قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے جس بندے کا ذکر فرمایا ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اپنے بندے کو اللہ رب العزت نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک راتوں رات سفر کروایا یہ اسراء و معراج کا سفر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا گیا جس کے دو حصے معروف ہیں ایک حصہ جو زمینی سفر ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا اور اسی واقعہ معراج کا دوسرا حصہ
वो है जो मस्जिद अक्सा से लेकर आसमानों तक का, जिसकी इंतहा पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत और दोज़ख, जन्नत में रहने वालों के लिए जो नेमतें तैयार की गई हैं उन नेमतों का नज़ारा करवाया, और जहन्नम में जाने वालों को जो अजाब होंगे उनके भी मशाहिद और मनाजर दिखलाए। इन दोनों हिस्सों में से पहला हिस्सा जो मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक का है, इस हिस्से का दूसरा एंड जो है वो है मस्जिद अक्सा। वो मस्जिद अक्सा जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही अहादीस में इरशाद फरमाया है, ला तुशद्दु रिहालु इल्ला इला सलासते मसाजिद, अगर सवाब की नीयत से, नेकी कमाने की नीयत से अगर रखते सफ़र बांधा जा सकता है, सफ़र की नीयत करके वो सफ़र तय किया जा सकता है, तो वो सफ़र सिर्फ तीन जगहों का है, और तीन जगहों में से भी बिलखसूस तीन मस्जिदों का है। ला तुशद्दु रिहाल इल्ला इला सलासते मसाजिद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन शहर नहीं फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन मुल्क नहीं कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन इलाके भी नहीं कहा, बल्कि फरमाया इला सलासते मसाजिद। अगर नेकी हासिल करने की नीयत से स्पेशल सफ़र इख्तियार किया जा सकता है तो सिर्फ तीन मस्जिदों की तरफ। उन तीन मस्जिदों में से पहली मस्जिद, फरमाया मस्जिदी हाजा, मेरी ये मस्जिद यानी मस्जिद नबवी जो के मदीना मनवरा में है, और दूसरी मस्जिद फरमाया वल मस्जिदुल हराम, और दूसरी मस्जिद है मस्जिद हराम जो के मक्का मुकरमा में है। ये हरमैन शरीफ हैं, दोनों मुकद्दस मकाम, इस कदर मुकद्दस इतनी फजीलत वाले मकाम कि मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ें तो 1,00,000 नमाज के बराबर सवाब मिले। एक नमाज का सवाब मस्जिद हराम मक्का मुकरमा में 1,00,000 नमाजों के बराबर, जबकि मदीना मनवरा में जो मस्जिद नबवी है, हरम सानी है, उस हरम में नमाज पढ़ें तो सही हदीस की रूह से 1,000 नमाज के बराबर सवाब, और बाज़ ज़ईफ रिवायात में 50,000 नमाजों के बराबर सवाब का जिक्र आया है, लेकिन वो अहादीस ज़ईफ़ है। इन दोनों मस्जिदों मसाजिद हरमैन शरीफैन की अजमत इन में नमाज पढ़ने से ही मालूम हो जाती है। और तीसरी मस्जिद, तीसरा मकाम, जिस मकाम की तरफ सफ़र करना, जिस जगह की तरफ, जिस मस्जिद की तरफ सफ़र करना जायज़ है, वो है मस्जिद अक्सा। वो मस्जिद अक्सा जिसको ये शर्फ हासिल है कि वो मुसलमानों का पहला क़िबला है, मुसलमानों का क़िबला अव्वल, वो मस्जिद, वो क़िबला जिसकी तरफ मुंह करके मुसलमान 1.5 साल 17-18 महीने तक मुसलसल मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ते रहे। और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखा कि आप ये चाहते हैं कि मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज के लिए मुंह किबला शरीफ की तरफ, काबा शरीफ, बैतुल्ला शरीफ जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद और आपके वालिद मुहतरम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना दादा बाबा नहीं कहा, बल्कि फरमाया तुम्हारे बाप। कुर्बानियों के बारे में एक मारूफ हदीस है कि सहाबा किराम ने पूछा, मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल ये कुर्बानियाँ क्या चीज़ हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सुन्ना तो अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आपने दादा नहीं कहा, बल्कि फरमाया तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश रहती मुसलसल कि अल्लाह मुझे इजाज़त दे दे कि मैं मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने के बजाय बैतुल्ला शरीफ अपने बाप हज़रत इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम की बनाई हुई मस्जिद या खाना काबा बैतुल्ला शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने लगूं। और बिल आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, अल्लाह ने फरमाया क़द नरा तक़ल्लुबा वजहका फिस्समा, ए मेरे नबी हमने आपका आसमान की तरफ रुख करके ये तमन्नाएं करते, ये दुआएं मांगते, दिल में ये ख्वाहिशें करते हमने आपको देख लिया है। क़द नरा तक़ल्लुबा वजहका फिस्समा, आप अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठाते हैं हमने ये बात देख ली है। और साथ ही इरशाद फरमाया फला नुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्ज़ाहा, ए मेरे नबी हम आपको उसी किबले की तरफ फेर देंगे जो आपका जी चाहता है, जिस तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ने को आपका जी चाहता है। और वो किबला बिल आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों के लिए वो किबला मुकर्रर फरमा दिया। और इरशाद फरमाया ऐ मेरे नबी आपकी उम्मत जहाँ कहीं भी हैं वो किबला काबा शरीफ मक्का शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना शुरू कर दें। और उसके साथ ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाजों में अपना किबला काबा शरीफ को बना लिया। इसी तहवील किबला के मौका पर एक बड़ा अहम वाक़या पेश आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना शुरू फरमा दिया। एक सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी और वो चलकर अपने करीब किसी महल्ला में पहुंच गए। वहां पहुंचे तो देखा कि सहाबाए किराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही वो अभी तक मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके नमाजें पढ़ रहे। उस वक्त उन लोगों से मुखातब होकर बाहर से मस्जिद के पीछे से इमाम नमाज जमात के साथ नमाज पढ़ा रहा है, उस आदमी ने आवाज़ दी मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मैंने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का शरीफ में मौजूद काबा शरीफ की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी है। ये महज खबर नहीं दी बल्कि कहा कि मैं इस बात की गवाही देता हूँ। गोया अल्लाह की किताब कुरान करीम में अल्लाह का फरमान नाजिल हो चुका है कि मस्जिद अक्सा की बजाय मस्जिद हराम काबतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाजें पढ़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम जो कि मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ना शुरू कर चुके हैं, उन लोगों ने जब इस आदमी की आवाज़ सुनी जो कह रहा है कि मैं कसम खाता हूं, मैं शहादत देता हूं, मैं इस बात की शहादत देता हूं कि मैंने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अब उन लोगों ने इतना भी इंतज़ार नहीं किया कि चलें देखेंगे अगली नमाज का वक्त आएगा, दरमियान में कुछ तहकीक कर लेंगे और अगर बात साबित हो गई तो फिर उस तरफ मुँह करेंगे। क्योंकि सहाबा किराम में इल्म में ये बात थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश मौजूद है और आप अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं कि ऐ अल्लाह हमें काबा की तरफ मुँह करने की इजाज़त दे। जैसे ही सहाबा के कानों में ये बात पहुँची उन तमाम सहाबा ने फौरी तौर पर अपना किबला बदल लिया। इमाम जिसका मुंह पहले अक्सा की तरफ था वो पीछे से दूसरी तरफ घूम कर गया और जाके उसने पूरी सफ़ों के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ाना शुरू कर दी और अपना मुंह जो है वो काबा शरीफ की तरफ कर लिया। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में इताअत का जज्बा इस अंदाज का था, कुछ देख लें, कुछ समझ लें, किसी से पूछ लें और लोगों से भी पूछेंगे, हमारे मौलवी और उनके मौलवी जो हमारे यहाँ आदत है कुरान करीम पढ़कर सुना दें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के लिए बुखारी शरीफ खोल कर दिखा दें, मुस्लिम शरीफ खोल कर दिखा दें, अब भी हमारे दिल में वो छोटा सा खटका लगा रहता है
कि पता नहीं ये क्या कह रहा है, पता नहीं इसकी बात सही है या हमारे मौलवी ने जो कहा वो बात सही है। इस किस्म का कोई खटका सहाबा इकराम अपने दिल में नहीं रखते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचा और जाहिर है कि पैगाम पहुंचाने वाला सहाबी है। और कितने लोगों ने कहा आकर, एक सहाबी ने, सिर्फ एक सहाबी ने आकर कहा कि मैंने नबी के पीछे किबला की तरफ मुंह करके नमाज, काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। हमारे यहाँ उलमाए किराम में, मुहद्दिसीन किराम में एक मसला बना हुआ है, कहते हैं कि खबर वाहद, अगर किसी मौजू की खबर देने वाला सिर्फ एक आदमी हो तो उसकी बात मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। इस मौका पर सिर्फ एक आदमी ने खबर दी और तमाम सहाबा ने नमाज के दौरान ही अपना किबला दुरुस्त कर लिया। और यही मामला आज तक हमारे मुसलमानों में अटका हुआ है कि पूछते फिरेंगे इधर उधर, और जब मुख्तलिफ किस्म की बातें सामने आएंगे तो कहेंगे नहीं वही हमारा अपना मुल्ला ही ठीक कहता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में जज्बा इताअत इस अंदाज का था कि जैसे ही सुना फौरन अमल किया और फौरन उन्होंने अपना मुंह किबला शरीफ की तरफ, काबा शरीफ की तरफ मोड़ लिया। और यहूदियों ने देखा कि इन लोगों ने क्या किया, मुसलमान हमारे काबा की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ रहे थे, बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ रहे थे, तो इन्होंने अचानक ये किया कि मक्का की तरफ मुंह कर लिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों की बात को भी दूसरे सिपारे के शुरू में, सूरह बकरा जहाँ से दूसरा सिपारा शुरू होता है वहाँ से ये वाक्य जिक्र फरमाया, सयकूलु सुफहा। कुरान करीम अल्लाह ने फरमाया कुछ बेवकूफ कहेंगे, सफी बेअकल बेवकूफ को कहा जाता है, सयकूलु सुफहा मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, कौन सी चीज है, क्या बात है, इन्होंने पहला किबला कौन क्यों छोड़ दिया और दूसरे किबला की तरफ, काबा की तरफ मुंह क्यों कर लिया। उन सुफहा को, उन बेवकूफों को क्या मालूम कि हमारे नबी ने अब हमें उस तरफ की बजाय उस तरफ मुंह करने का हुक्म दे दिया है। मा वल्लाहुम, किस चीज ने फेर दिया इन लोगों को पहले किबला से और ये काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने लगे हैं। वो दिन और आज का दिन, पहला डेढ़ साल छोड़कर उसके बाद हमेशा के लिए किबला मुसलमानों का मस्जिद हराम काबा शरीफ हो गया। अब देखना यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मस्जिद की तरफ मुंह करके डेढ़ साल नमाज पढ़ी उसका मकाम क्या। आम मस्जिद नहीं, वो मस्जिद मुसलमानों का किबला है। मुसलमान डेढ़ साल तक, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जिंदा है, आप भी सहाबा के माबैन मौजूद हैं, डेढ़ बरस तक उस तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ते रहे। और फिर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आमुल हुज़न, जिस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख पहुंचे, मुशरिकीन मक्का ने दुख पहुंचाए, बाज अमवात के नतीजा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा फौत हो गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा फौत हो गए, इसी तरह मुख्तलिफ तकलीफें और रंज पहुँचे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को बड़ी अजियत पहुँची, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी ढार्स बंधाने के लिए आपको आसमानों की सैर कराई, हिम्मत अफजाई के लिए आसमानों की सैर का इंतज़ाम किया। उस सैर का पहला हिस्सा जाकर मस्जिद अक्सा तक ही ख़त्म होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद हराम, अपने काबा बैतुल्ला शरीफ के पहलू में आराम फरमा है। वहाँ दो आदमी आए, वाक्या मेराज तफसीली वाक्या है, दो आदमी दो फरिश्ते आए, उन्होंने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल अक्दस को, सीना को चीरा, दिल निकाला, उसको चीरा, उसमें से जो कोई छोटी सी फुटकी नज़र आई काले रंग की वो निकाली, जमजम के पानी से दिल को धोया और दोबारा सीने में फिट कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी ऑपरेशन आज से 1500 साल पहले हुआ।
ऑपरेशन के नाम से हम बड़े मचलते हैं, अंग्रेज़ों की अश अश कर उठते हैं कि क्या कहने अंग्रेज़ों के जिन्होंने ऑपरेशन ईजाद किया। ये ऑपरेशन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साल पहले किया जा चुका है। दिल को बाकायदा सीना चीर कर निकाला गया, सोने के तश्त में रखा गया और जमजम के पानी से धोया गया और दोबारा फिट किया गया। ऑपरेशन तो हमारी तारीख इस्लाम का हिस्सा है, ये अंग्रेज़ों की ईजाद नहीं, ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस पर बाकायदा किया गया। ऑपरेशन के बाद वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जानवर जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो घोड़े से बड़ा और खच्चर से छोटा दरमियाने कद का जानवर था जिसका नाम है बुराक, और वो इतना तेज रफ्तार जानवर था कि उसका एक कदम यहाँ होता, दूसरा कदम इतनी दूर जाकर पड़ता जितनी दूर इंसान की नज़र जा सकती है। उस तेज़ रफ्तार जानवर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात अल्लाह ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र करवाया, और यही मस्जिद अक्सा है जिस मस्जिद में जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया को 2 रकत नमाज पढ़ाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब चाहे तमाम अंबिया को अपनी ख़ास कुदरत से उस मकाम पर इकट्ठे कर लिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इमामत करवाई। और उसी हदीस जो कि मुस्नद इमाम अहमद में सही सनद के साथ मौजूद है, उसी हदीस और उसी वाकया की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया ए वर्रसुल करार दिया गया कि आप तमाम अंबिया तमाम रसूलों तमाम पैगंबरों के इमाम हैं, सबसे बड़े हैं, बरतर हैं, सबसे आला हैं, सबसे औला हैं। इस मकाम पर जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के पहले हिस्से की इंतहा हुई, इस मकाम पर जहां तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराक पर सवार होकर पहुंचे, और वो मकाम जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अंबिया को इकट्ठे किया, और वो मकाम जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया को इमामत करवाई, आज वो मकाम कहां है? आज की मजलिस में सिर्फ असल बात यही कहने वाली, आज वो मस्जिद अक्सा कहां है, किन के पास है? कभी गौर किया आपने? हमारा किबला अव्वल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज की इब्तिदा इसरा मेराज मक्का से अक्सा और अक्सा से आसमान तक, लेकिन मेराज की इब्तिदा मस्जिद अक्सा से हुई। आज वो मस्जिद अक्सा यहूदियों के हाथ में। इस कदर हैरत की बात है कि मुसलमानों की तादाद इस वक्त दुनिया में कितनी है? 1.5 अरब, 6 अरब के करीब कुल दुनिया में इंसान है, 6 अरब के करीब कुल इंसान है, उनमें से 1.5 अरब सिर्फ मुसलमान, मुसलमान 1.5 अरब, बाकी 4.5 अरब में हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, बुद्धिस्ट हैं और पता नहीं कौन कौन बेदीन लोग हैं, सिर्फ मुसलमान 1.5 अरब। इतनी बड़ी कुव्वत मुसलमानों की मौजूद है और मुसलमानों का किबला अव्वल यहूदियों के कब्ज़े में, और सिर्फ उनके कब्ज़े में नहीं है बल्कि उन्होंने मुसलमानों के किबला अव्वल का निशान मिटाने के लिए जो भी मुमकिन था आज तक वो किया है, और कोई 1-2 साल की बात नहीं कि वो ले गए। मुसलमानों का किबला अव्वल 61 साल, आप अंदाज़ा करें 61 साल से यहूदियों के कब्ज़े में चला आ रहा है, और मुसलमानों ने क्या किया है इन 61 सालों में? मुसलमानों ने कोई रास्त इकदाम किया, कोई सही कदम उठाया कि हम अपना किबला आज़ाद करवाएं? और जिस हुकूमत के कब्ज़े में हमारा मुसलमानों का किबला है वो हुकूमत कितनी है, उनकी आबादी कितनी है, उनका रकबा कितना है? हमारे मुसलमानों के मुल्क फ़लस्तीन, हमारे शाम, मुसलमानों के मुल्क शाम से थोड़ा सा हिस्सा शाम का सूरिया का, थोड़ा सा हिस्सा लबनान का और थोड़ा सा हिस्सा मिस्र का, 2-3 मुल्कों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा काट कर दरमियान में उन्होंने अपना मुल्क बनाया हुआ है।
और एक छोटी सी ममलकत जिसको मुसलमानों के जिस्म के नाखून का हिस्सा भी नहीं माना जा सकता। एक मुसलमान के जिस्म में एक नाखून का हिस्सा कितना होता है? यहूदी की हुकूमत, यहूदी की ममलकत और यहूदी का मुल्क मुसलमानों के एक नाखून के बराबर भी दुनिया में नहीं। लेकिन आज तक 61 वर्ष हो गए मुसलमानों के किबला पर कब्जा किए हुए हैं। कभी उसकी दीवारों के नीचे सुरंगें बनाई जा रही हैं, कभी यहूदी बूटों समेत मस्जिद अक्सा के अंदर घूमते नजर आते हैं, और कभी वो घोड़ों पर सवार होकर मस्जिद अक्सा में दाखिल हो जाते हैं, और कभी मस्जिदों में खंजीरों को छोड़ा जाता है। इस हद तक मस्जिद अक्सा की तोहीन की जाती रहती है, और मुसलमान सारी दुनिया का 1.5 अरब मुसलमान, पहले मुसलमान 40 मुल्क थे, मुसलमानों के 50 मुल्क हो गए, फिर 52 मुल्क 51 मुल्क बड़ा अरसा रहे, और आज मुसलमानों के 58 मुल्क हो गए। एक मुल्क, बल्कि यूं कहें कि एक शहर, छोटा सा शहर मदीना मुनव्वरा मुसलमानों का था। उस वक़्त मुसलमानों की कुल तादाद भी मुजाहिदीन की 313 थी। 313 मुजाहिदीन ने आलम कुफर के दांत खट्टे कर दिए। गज़वा अहज़ाब, जिसमें तमाम कौमें काफरों की तमाम मिल्लतें शामिल हो गईं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। गज़वा उहद, मुसलमान थोड़े से, गज़वा बदर मुसलमान सिर्फ 313, लेकिन उनके दिलों में ईमान बड़ा कवी था, मजबूत था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कदम कदम पर उनको फतह नुसरत अता फरमाई, आसमान से फरिश्ते भेज कर उनकी मदद की, और वो फरिश्ते, हमारे शायर तो कहते हैं कि फरिश्ते आज भी उतर सकते हैं अगर मुसलमानों के दिलों में ईमान सही हो जाए, मुसलमानों के दिलों में ईमान दोबारा पैदा हो जाए और इनके दिलों में ईमान बेदार हो जाए, आज भी आसमान से फरिश्ते उतर सकते हैं। अल्लाह का वादा कुरान करीम के अंदर मौजूद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम वयुसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करो तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, अगर अल्लाह के दीन की मदद तुम करो तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, और अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद ना करो और कहो कि अल्लाह मुसलमानों की मदद नहीं कर रहा, अल्लाह ने अपनी मदद को मशरूत रखा है, शर्त लगा दी कि अगर तुम मदद करोगे, इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह को नाउज़ बिल्ला किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को कोई हाजत, अल्लाह को कोई मजबूरी, अल्लाह में कोई कमज़ोरी, जितनी भी सिफात ज़ौफ की हैं अल्लाह उन तमाम से मुनज़्ज़ह है, बरी है। अल्लाह की मदद क्या है? अल्लाह के दीन की मदद, अल्लाह वालों की मदद, मुजाहिदीन इस्लाम की मदद। अल्लाह ने फरमाया तुम मेरे दीन की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और तुम्हारे कदमों में सुबात, तुम्हारे कदमों में इस्तकलाल, तुम्हारे दिलों में जुरत पैदा करूंगा। और हम अल्लाह के दीन की मदद कर रहे हैं या नहीं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम अल्लाह के दीन की इतनी मदद कर रहे हैं कि आज के उर्दू न्यूज़ में मेरी नज़र से एक खबर गुजरी है, पाकिस्तान में हैप्पी न्यू ईयर मनाते हुए 6 लोग मर गए हैं, 50 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए, और पता नहीं कितनों का क्या हाल हो गया। ये मुसलमान कर रहे हैं मदद अपने दीन की, वो दीन जो ईसाइयों का दीन है, वो साल जो ईसाइयों का साल है, उसे इस अंदाज से मनाया जा रहा है कि जैसे मुसलमानों की अपनी तारीख सारी उसी साल से वाबस्ता, जबकि मुसलमानों की नमाजें, मुसलमानों के रोज़े, मुसलमानों का हज, मुसलमानों के तमाम मनासिक, मुसलमानों की कुर्बानियाँ, वो सारी की सारी हिजरी तकवीम के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। हिजरी तकवीम गुजरी, आप लोगों ने खुद देखा होगा कि मुसलमान टस से मस नहीं हुए। यकम मुहर्रम आई,
कहीं कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन यकम जनवरी आई, मुसलमान ईसाइयों के साथ मिलकर, यहूदियों के साथ मिलकर हैप्पी न्यू ईयर मना रहे, और उस हैप्पी न्यू ईयर की बदमस्तियों में सिर्फ पाकिस्तान में 6-7 लोग मर गए हैं और 50 जख्मी हो गए। ये उन लोगों का हाल है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद के इंतजार में बैठे हुए हैं कि मदद होगी, ये इंतजार में बैठे हुए हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर यहूदियों ने 400 मुसलमानों को शहीद कर दिया, 400 मुसलमान शहीद किए जा सके हैं, किए जा चुके हैं, कितने मकामात उनके घर तबाह किए जा चुके हैं, और 2000 से ज़्यादा मुसलमान इस वक्त ज़ख्मी हालत में पड़े। उनकी हमें कोई परवाह नहीं, मरते हैं तो मरते रहें, उनके मकान टूटते हैं टूटते रहें, हमें हैप्पी न्यू ईयर मनाना है। और ये हैप्पी न्यू ईयर मनाने का नतीजा आपने देख लिया, मर रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, लेकिन यहूदियों और ईसाइयों की जितनी रस्में हैं उनको अपनाने से बाज नहीं आते। जिंदगी का कोई शोभा हो, जिंदगी का कोई मौका हो, इंसान की जिंदगी में कोई भी लम्हा आए, ये हर तरह से यहूदियों और ईसाइयों के साथ साथ। पिछले जुमा में भी ये बात मैंने अर्ज की थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में हमें बता रखा है कि तुम चाहे जितने भी उनकी चाल में चाल मिलाओ, उनकी ताल में ताल मिलाओ, तुम चाहे जितनी भी अपनी कोशिशें कर लो, वो कभी भी तुमसे राजी नहीं होंगे। आपने नबी से मुखातिब होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, लन तर्ज़ा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, ऐ मेरे नबी, ये यहूदी और ईसाई कभी भी आपसे राजी नहीं होंगे जब तक कि आप इनकी मिल्लत की पैरवी ना करें, इनके पीछे ना लगें। जब तक मुसलमान अपने इस्लाम को छोड़कर ईसाइयत इख्तियार ना कर लें, अपने इस्लाम को छोड़कर यहूदियत इख्तियार ना कर लें, ईसाई यहूदी हमसे कभी खुश होने वाले नहीं, और जब वो हमसे खुश होने वाले नहीं हैं तो फिर उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाना, उनकी हरकतें, उनके किरदार, उनके ज़िंदगी के हर हिस्से को, हर चीज़ को अपनाना, ये हमें कैसे ज़ेब देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मदद का हमारे साथ वादा ज़रूर फरमाया, लेकिन शर्त लगा दी, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह के दीन की मदद करोगे, तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आज अगर मुसलमानों की अल्लाह मदद नहीं कर रहा तो अपने गिरेबान में झांक कर देखें, सबब कौन है, इसका बायस क्या है, इसका सबब सिर्फ मुसलमान है, मुसलमानों की बदकिरदारी है, मुसलमानों की बदअमली है, मुसलमानों के ईमान की कमजोरी है। अगर मुसलमान सही मानों में ईमानदार हो जाएं, सही मानों में इस्लाम पर चलने लगें, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल मनहज रब्बानी को अपना लें, अल्लाह ने क्या फरमाया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया है, अगर सारे मुसलमान आज इस पर लग जाएं, यकीन माने फरिश्ते आज भी आसमान से कतार अंदर कतार उतर सकते हैं। अल्लाह ने उन 313 की मदद फरमाई, फिर 1400 हुए अल्लाह ने मदद फरमाई, वो 2000 हुए अल्लाह ने मदद फरमाई, 12000 हुए अल्लाह ने मदद फरमाई, आज हम 1.5 अरब मुसलमान हैं। अगर हम सही हो जाएं, अल्लाह हमारी मदद करेगा, उसका वादा है, उसके वादे सच्चे हैं, वो किसी अपने वादे की खिलाफी नहीं करता। लेकिन मुश्किल ये है कि मुसलमान अल्लाह की एक शर्त पूरी करने के लिए तैयार नहीं है, और वो एक शर्त है इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह के दीन की मदद करो। हम अल्लाह के दीन की मदद क्या करेंगे, हम तो अल्लाह के दीन पर चलने को तैयार नहीं हो रहे। अपनी जिंदगियों की पूरी किताब को खोल कर देखें कि हम अपने दीन पर, अपने मजहब पर, इस दीन इस्लाम पर हम कितना चलते हैं। अपने घर में बच्चे की पैदाइश से लेकर उसकी शादी की खुशियों तक, और फिर अपने वालिदैन या बुज़ुर्गों की मौत तक,
आप इन वाक्यात पर निगाह दौड़ा कर देखें, हम में मुसलमानों वाली कोई बात ही नज़र नहीं आती। यहूदियों, ईसाइयों और हिंदुओं की रस्में, हमारी सारी की सारी ज़िंदगी यूरोप के फरंगियों की तहजीब की तकलीद करते हुए गुजर रही है। और यकीन माने, हमारे एक भाई अहमद यादव हैं, नौ मुस्लिम हैं। एक मरतबा उन्होंने तकरीर की, मैंने शायद पहले भी यहाँ हवाला दिया था, दमाम इस्लामिक सेंटर हई अब्दुल्ला फवाद में उन्होंने तकरीर की। उसमें उन्होंने गिन गिन कर बताई, क्योंकि वो राजदार दरून मैखाना हैं, वो हिंदू थे, हिंदुओं से मुसलमान हुए, उन्होंने मुसलमानों की हरकतों, मुसलमानों की इबादतों, जिसे ये इबादत बना के बैठे हुए हैं, एक एक को गिनकर बताया कि ये भी हिंदुओं में, ये भी हिंदुओं में, ये भी हिंदुओं में। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गिनकर बताई, कहा कि जो हिंदुओं में है नाम दूसरा है लेकिन काम यही है। आज वो मुसलमानों में इबादत की शक्ल बन के आई हुई, उनमें मरने पर तीजा, चौथा, कुल, दसवां, सातवां, चेहलम, इनका जिक्र उन्होंने किया। और एक नाम लिया उन्होंने भजन का, कहा कि हिंदुओं में भजन होते हैं और मुसलमानों में कव्वाली कहलाते हैं। मुसलमानों में कव्वाली, हिंदुओं में भजन, बात वही और साज भी वही, अंदाज भी वही। वो कव्वाली गा के कहते हैं कि हम इबादत कर रहे हैं। आपने सुना होगा क्यों टीवी के नाम से, क्यों को कुरान के नाम का धोखा देकर लोगों को जो कुछ सुनाया जा रहा है उसमें कव्वाली, सर धुनते हुए पागलों की तरह उस स्टेशन से कव्वालियां जो नशर हो रही हैं। हिंदुओं के मजहब का मुताला करके देखे, उनके यहां भजन भी यही कुछ है, जोरदार साज और जोरदार आवाज और सर धुनते हुए हिंदू, और इधर जोरदार साज, जोरदार आवाज और सर धुनते हुए मुसलमान। किस मुंह से अल्लाह से मांगेंगे कि या अल्लाह हमारी मदद फरमा, क्योंकि हम तेरे दीन की मदद कर रहे हैं। हम हिंदुओं की बातें अपनाएं और उसे इस्लामाइज कर लें, उसे इस्लामी बना लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मुसलमानों को हिदायत फरमाए। इस मस्जिद अक्सा को पहले भी यहूदियों ने कब्जे में लिया, ईसाइयों ने कब्जे में लिया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो सिर्फ चलकर वहां पहुंचे और जाते ही उन्होंने चाबियां पकड़ा दी मस्जिद अक्सा की, कहा कि ये आपकी है, हमने अपनी किताबों में पढ़ा था, हमारी किताबों में ये बातें मौजूद हैं कि मुसलमानों के नबी का खलीफा आएगा और खलीफा घोड़े की, ऊंट की नकेल पकड़े हुए होगा और उसका गुलाम सवार होगा। वो निशानी हमने देख ली। उन्होंने फौरन चाबियां हाथ में दे दी। नूरुद्दीन जंगी के ज़माने में फिर कब्ज़ा हो गया और मुसलमानों ने अपनी गैरत ईमानी के साथ, अपनी जुर्रत और बहादुरी के साथ मस्जिद अक्सा को फिर आज़ाद करवा लिया। आज आपकी मस्जिद अक्सा फिर यहूदियों के कब्ज़े में है और वो आपके इंतज़ार में है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर किसी फारूक को, फिर किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी को भेजेगा और वो इस मस्जिद को आज़ाद करवाएगा। हम कम अज़ कम इतना तो कर सकते हैं कि दुआएं मांगे, या अल्लाह उन लोगों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह, वो लोग जो तेरे इस मुसलमानों के क़िबला अव्वल बनाए गए मकाम की हिफाजत कर रहे हैं, ऐ अल्लाह तू उनकी हिफाजत फरमा, उनकी मदद नुसर फरमा। हम इतना तो कर सकते हैं, कम अज़ कम अपने दीन पर तो चल सकते हैं। अगर हम अपने दीन पर सही तौर पर चलना शुरू कर दें और दुआएं मांगना शुरू कर दें, बेइज़्निल्लाह ताला अल्लाह की मदद नाजर होना शुरू हो जाएगी और ये हमारा क़िबला फिर आज़ाद हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को अपने दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी और आप सब की इस्लाह फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा क़िबला अव्वल आज़ाद करवाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत इस्लामिया को दोबारा इसकी आज़मत रफ्ता वापस करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सब लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। किसी ने लिखा है कि हमारे मुल्क में एक सुन्नी मस्जिद है और उसमें कोई उस इलाके में कोई 500 घर हैं और 100 साल पुरानी जमात है,
पता नहीं जमात कहा या मस्जिद कहा, उससे पहले किसी ने लिखा है कि मेरी दादी का कल इंतकाल हो गया है, दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी दादी की मगफ़रत करे, उनकी बशरी कुताहियों को अल्लाह ताला माफ़ करे और अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। शमशेर अली साहब कहते हैं कि मेरी बेटी बीमार है, दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी बेटी को शिफाए कामला व आजला अता फरमाए। कहते हैं कि 100 साल पुरानी जमात है, मेरा ख्याल है मस्जिद होगी, 100 साल पुरानी जमात तो नहीं होगी। शहर में ईद होती है तो हम तो नहीं बनाते हैं, वो अगले दिन बनाते। कोई इनके इख्तलाफात लगता है कि वो ईद पहले दिन, हम पहले दिन ईद मनाते हैं, वो अगले दिन ईद मनाते हैं। मस्जिद पुरानी है, जमात के लोग भी हैं और वो मौलूद मनाते हैं, चंदा भी मांगते हैं, बल्कि ज़बरदस्ती भी करते हैं। मेरा ख्याल चंदा लेने में भी ज़बरदस्ती, गुंडागर्दी करके चंदा लेते होंगे कि हमने मिलाद शरीफ मनानी है। कहते हैं कि हमारे मुल्क में एक सेल्फी वाला भी जमात, न्यू जमात वारद हुई है या मस्जिद बनी है। उस मस्जिद में औरतों के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए अलग से और अच्छी सहूलत है, अच्छा पर्दे का इंतज़ाम है, इसलिए पुरानी मस्जिद की जमात और मुतवल्ली मिलकर हमारा नाम जमात से पता नहीं निकाल दिया है। भाई मुझे ये लगता है कि इनके महल्ले में या इनके इलाके में कोई सेल्फी मस्जिद बनी है जिसमें औरतों के लिए नमाज़ पढ़ने की बाकायदा अच्छी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तो वो चाह रहे हैं कि ये क्या सूरत हाल है। आपके इल्म में होगा कि कुछ अरसा पहले हिंदुस्तान में एक मस्जिद को गिरा दिया गया था और उसको मिसमार कर दिया गया। मसला सिर्फ इतना सा था कि उस मस्जिद में औरतें नमाज तरावी पढ़ने के लिए आना शुरू हुई और कुछ लोगों ने कहा कि औरतों को मस्जिद में नहीं आना। मस्जिद वालों ने कहा कि सुन्नत रसूल से साबित है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में साबित है कि औरतें मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आया करती थीं और ईदगाह में ईद पढ़ने के लिए जाया करती थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका बाकायदा हुक्म फरमाया। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु जो दिल से नहीं भी चाहते थे कि औरतें बाहर जाएँ, लेकिन इसके बावजूद उनकी बीवी बाजमात नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाया करती थी और हज़रत उमर फ़ारूक ने अपनी पूरी उम्र में कभी अपनी ज़बान से उसको नहीं रोका। यानी मुसलमान औरतें मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ा करती थीं, ईदगाह में जाकर नमाज़ें पढ़ा करती थीं, लेकिन उस मस्जिद में चूँकि औरतों ने नमाज तरावी पढ़ना शुरू की, महल्ले वालों ने उन्हें मना करना शुरू किया। बिलाखिर नतीजा ये हुआ कि लड़ाई हुई और मस्जिद को तोड़ दिया गया और अब वो मस्जिद तो दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी है, लेकिन तोड़ने वालों के बारे में आपकी क्या राय है? मस्जिद को तोड़ा गया और तोड़ने वाले अपने आप को एक इमाम के मानने वाले और अपने आप को खालिस अहले सुन्नत वल जमात समझते हैं, क्या अहले सुन्नत वल जमात के करतूत यही हैं? इस मस्जिद को बनवाने में हिस्सा लेने वाले साथी हमारे इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। तो अगर ऐसी कोई मस्जिद आपके मोहल्ले में बन गई है जिसमें औरतों के लिए नमाज पढ़ने की गुंजाइश मौजूद है, तो आपको वो मस्जिद मुबारक हो, उसमें खुद नमाज पढ़ा करें, अपनी औरतों को नमाज पढ़ने की इजाज़त दिया करें। आपको मालूम है कि इस मस्जिद में औरतें नमाज पढ़ती हैं, यहाँ तमाम मसाजिद में औरतों के लिए ख़ास तौर पर तरावी के लिए बाकायदा पर्दा कर दिया जाता है। बड़ी जामी मस्जिदों में जगह मौजूद है, ऊपर बहुत सारी जगह मौजूद है, ये आपके सामने केबन सा बना हुआ मौजूद है। अब वहाँ औरतें मस्जिद में आएँ तो उन्होंने मस्जिद ही तोड़ कर रख दी। उस जगह का नाम मेरे जहन से निकल रहा है, कंटोर आंध्र प्रदेश है, एपी में मस्जिद है, गुंटोर शायद, वही एक ही बात है सारी, मैंने ये पढ़ा है। तो बहरहाल वो पहले एक मस्जिद 100 साल की है या वो जमात 100 साल की है, अगर उस मस्जिद और जमात के लक्षण यही हैं कि वो लोगों को, औरतों को मस्जिद में जाने के लिए रजामंद नहीं हो रहे, तो ये वही पार्टी है जिन्होंने गुंटोर वाली मस्जिद तोड़ी होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको हिदायत फरमाए,
आप इस मस्जिद में नमाज पढ़ा करें, अपनी औरतों को नमाज पढ़ने के लिए भेजा करें या जाने के लिए उनसे मना और रुकावट ना बने, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के से उन लोगों के लिए दुआ भी किया करें कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजाज़त दिए हुए कामों में ये रुकावटें डालने वाले, दीन की खिदमत नहीं कर रहे, मस्जिदों को गिराने वाले, दीन में कोई कारनामे सर अंजाम नहीं दे रहे। पाकिस्तान में भी एक मस्जिद को जलाया गया, पाकिस्तान में एक मस्जिद को जलाया गया, उसका सारा रिकॉर्ड मेरे पास रिटन शक्ल में भी मौजूद है, कोई जब चाहे देख सकता है, बल्कि इसकी खबर भी मेरे पास महफूज है, गुंटौर वाली जो है। उस मस्जिद में जब आग लगाई गई तो साथ ही ज़हरा के अंदर कुरान करीम भी मौजूद थे, तो किसी ने कहा कि भले लोगों कुरान भी जल रहा है, तो मालूम है क्या कहा गया? कहने लगे जलने दो, ये सऊदी अरब का कुरान है, ये कहाँ के मुसलमान हैं और किस नाम से ये अपने आप को मुसलमानों में गिनवाते हैं, ये सऊदी अरब का कुरान है, तुम्हारे पास कुरान कहाँ से आया था? क्या लाहौर में, क्या बेंगलोर में, दिल्ली में, बनारस में कोई नबी आया है? कुरान तो गया ही सऊदी अरब से है, मक्का में नबी पैदा हुए, मदीना में फौत हुए, ये दोनों शहर तो सऊदी अरब में है, कुरान तो यहीं से गया था, तुम्हारा कुरान पता नहीं अब कहाँ से आया है। कहा जलने दो, ये सऊदी अरब का कुरान। इस किस्म की हरकतें हमारे मुल्कों में होती रहती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों को हिदायत फरमाए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके बारे में मैं कहा करता हूँ कि या अल्लाह उनको हिदायत दे या उनको उठा ले, लेकिन ये हमारे कुछ ज़्यादा ही भाई हैं, हम चाहते हैं कि मुसलमानों की नफरी कम ना हो, अल्लाह उनको हिदायत दे। कहते हैं कि सहरी का वक्त कब शुरू होता है? रात का आखिरी चौथाई हिस्सा जो है वो सहरी है, यानी फजर की नमाज से एक डेढ़ घंटा पहले सहरी का वक्त होता है, उस वक्त आप सहरी खाएं, और रोज़ा नफल हो या फ़र्ज हो, बग़ैर सहरी खाए रोज़ा हो जाता है, लेकिन तब जब आदमी जानबूझकर सहरी को ना छोड़े। शाम को खाना खाया और सोच लिया कि सुबह जुमेरात है, मैं रोज़ा रख रहा हूँ, सुबह पीर है, रोज़ा रख रहा हूँ, शाम के खाने खाए हुए पर ही रोज़ा रख लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तसहरू, सहरी खाओ, फ़इन्ना फिस्सुहूर बरका, क्योंकि सहरी खाने में बरकत, सहरी खाना सुन्नत है, सहरी खाना बरकत है। और एक हदीस में है कि हमारे और गैर मुस्लिम यानी अहले किताब के रोज़ों में फ़र्क ही सहरी खाने का है, उनके यहाँ सहरी नहीं, मुसलमानों में सहरी है, लिहाजा सहरी खाया करें और रोज़े को मुकम्मल किया करें। लेकिन अगर कभी सोए रह गए तो ऐसे में सहरी छूट गई, इस शक्ल में आपका रोज़ा सही होगा इंशाअल्लाह, सहरी खाना फ़र्ज नहीं है। बच्चा की पैदाइश के बाद करने वाले काम कौन कौन से हैं, बराए मेहरबानी बताइए। बच्चे की पैदाइश के बाद सातवें दिन बच्चे का अकीका करना, लड़का है तो दो बकरियां या बकरे या मेंढे या भेड़ें, दो बकरी से मुराद अमूमन ये दो जानवर होते हैं, लड़के के अकीका पर दो जानवर और लड़की के अकीका पर एक जानवर, और अगर किसी की माली पोजीशन ज़रा पतली हो, कमज़ोर हो, तो वो एक ही जानवर दे दे, तो इंशाअल्लाह वो सुन्नत का दर्जा जो है, सवाब जो है वो पालेगा। दूसरा काम ये है कि सातवें दिन बच्चे के बाल निकाले जाएं, यानी उसके सर को मंडवाया जाए, गंजा किया जाए, और तीसरा काम ये है कि सातवें दिन बच्चे का नाम रखा जाए। नाम रखने में गुंजाइश मौजूद है कि सातवें दिन रखें, पहले दिन ही रख लें, उससे पहले से आप उसको तय कर लें, वो आप जाने, आपका काम जाने। जहाँ तक बालों का मसला है, सातवें दिन बाल निकाले जाएं और सातवें दिन अकीका किया जाए। कल या परसों किसी साहब ने फ़ोन किया और कहा कि क्या वाकई अकीका करना विद इन सेवन डेज ज़रूरी है? अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि विद इन सेवन डेज का माना क्या है और सातवें का माना क्या है। तो मैंने अर्ज़ किया कि भाई विद इन सेवन डेज नहीं, सेवन्थ डे, सातवां दिन है जिसमें अकीका है, विद इन सेवन डेज नहीं कि दूसरे दिन, तीसरे दिन जब छुट्टी आई उस दिन अकीके के लिए बकरा खरीदने निकल गए। आपको छुट्टी आए ना आए, सातवां दिन हो, चाहे जुमा हो, चाहे इतवार, मंगल, बुध, कोई भी दिन हो, सातवें दिन जानवर खरीदना या कम अज़ कम सातवें दिन जानवर ज़िबा करना। खरीदना तो सातवें दिन ज़रूरी नहीं है ना, पहले भी खरीद के रख सकते हैं,
सातवें दिन अगर कोई मजबूरी बन जाए तो चौदहवें दिन, अगर कोई मजबूरी बन जाए तो 21वें दिन, और फिर अगर किसी का नहीं हुआ तो जब चाहे वो करता रहे, लेकिन असल सुन्नत यह है कि सातवें दिन अकीका किया जाए। ये हैं करने के तीन काम। कई लोगों के यहाँ बच्चा होता है तो वो कहते हैं बच्चा हुआ है, वालदैन चाह रहे हैं कि मुल्क में आओगे तो वहीं सब लोगों को इकट्ठा करेंगे, अकीका करेंगे, वो 4-6 महीने अकीका आगे डाल लेते हैं। ऐसे में अपने वालदैन को उनसे अपील करें कि मोहतरम अकीका सातवें दिन कर दें, जब मैं आऊँगा तो मैं आके और रौनक कर लूँगा नए सिरे से, 2-4 बकरे और ज़िबा कर लेंगे, यहाँ से तो अल्हम्दुलिल्लाह रियाल लेके जाएंगे, वहाँ जाके 12 गुना, और आजकल पाकिस्तान में तो शायद 21 गुना हो रहा है, 20-21 गुना, तो आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह बकरे 2 फिर भी मिल जाएंगे, फिर अपने रिश्तेदारों को इकट्ठे करके खिला लेना, लेकिन सुन्नत को उसके वक्त पर अदा करना यानी सातवें दिन अदा करना ज़रूरी है। खतना जो है उसके लिए सातवें दिन मुकर्रर नहीं है, ये क्योंकि बाज़ लोग समझते होंगे कि शायद सातवें दिन ही खतना भी करना है। खतना बच्चे की सेहत, बच्चे की हालत के मुताबिक जब मुनासिब हो तब खतना करें, सातवें दिन कर लें, चंद दिन के बाद कर लें, उसका उसी दिन करना सातवें दिन साथ ही, ये ज़रूरी नहीं है। आपने भी कुछ कहा था, एक लड़के की तरफ से 2 गायें सुन्नत से साबित नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं। पिछले में शायद ये सवाल था कि किसी ने एक गाय खरीदी, उसमें कोई 2-3 बच्चों के अकीके शामिल किए, कुछ बाकी जो हिस्से बच गए 7 हिस्सों में से, उसमें अपने घर के कुछ लोगों की कुर्बानी शामिल की और इन सब चीज़ों को मिक्स करके भेज दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि 2 जानवर यानी 2 भेड़े, 2 बकरियां, 2 मेंढे, 2 दुम्बे, 2 जानवर आपने अकीके पे देने हैं। अब अगर 2 गायें देंगे वो दोनों हलाल हैं, दोनों जायज़ हैं, अकीका इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन सुन्नत से साबित नहीं है, क्योंकि सुन्नत में गाय और इसके अकीके में गाय और ऊंट का जिक्र नहीं आया, अकीके में सिर्फ भेड़ बकरियों मेंढों और दुम्बों का जिक्र है, लिहाजा हमें भी उन्हीं पर किफ़ायत करना चाहिए। बचत करने के चक्कर में हम अपनी गाय में कुछ कुर्बानियां भी शामिल कर लेते हैं और अकीका भी शामिल कर लेते हैं, जो कि सुन्नत से साबित नहीं। बाल के वजन की चांदी देते हैं, बाल के वजन की चांदी देना जो है वो बाज़ अहादीस में वारद हुआ है, लिहाजा आप बालों का वज़न करें उसके मुताबिक चांदी दें। और यहाँ रहते हुए सऊदी अरब में रहते हुए मैं मशवरा देता हूँ कि 100 रियाल अल्लाह की राह में दे दें, और ये समझें कि बालों की चांदी के बराबर, बालों के वज़न की चांदी के बराबर है। चांदी आजकल काफ़ी महंगी है, सोना भी महंगा है, 100 रियाल निकाल दें इस खाते में। तो गोया ये मुख्तलिफ़ काम है, खतना करना और ये बालों की वज़न के बराबर चांदी देना, और 2 जानवर लड़के के 1 लड़की का ज़िबा करना और नाम रखना और उनके बाल निकालना। हम अपने बच्चों को अरबी कुरान की तालीम घर में पढ़ने के लिए हमने अरबी उस्ताद मुकरर किया जो घर पर आकर बच्चों को दीनी तालीम देते हैं, मगर बावजूद दीनी मालूमात के वो लोग अपनी दीनी फ़राइज़ को अंजाम नहीं देते, जिसमें वक्त की पाबंदी नहीं करते, यानी उस्ताद मुकरर हैं, दीनदार हैं, आलिम हैं, उनकी मालूमात दीनी मालूमात से मुराद यही होगा कि आलिम दीन हैं या कम अज़ कम अच्छे इल्म वाले हैं, वक्त की पाबंदी नहीं करते, हर बच्चे को 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर फ़ारग कर देते हैं, अगर हम सामने ना हों तो बच्चों की गलतियों को दुरुस्त नहीं करते, और अगर हम सामने बैठे हुए हों तो फिर बच्चों को सही पढ़ाते हैं, अगर हम इनसे शिकायत करते हैं तो हमारी गैर मौजूदगी में बच्चों पर गुस्सा उतारते हैं और उन्हें मारते हैं, बदकलामी करते हैं। अल्लाह ताला इस उस्ताद को हिदायत फरमाए, अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। अल्लाह ताला इस उस्ताद को और इस किस्म के उस्तादों को हिदायत अता फरमाए जो गुस्सा, माँ बाप का गुस्सा उनके बच्चों पर उतारते हैं और समझदार होने के बावजूद वक्त की पाबंदी नहीं करते, जो उजरत लेते हैं उस पर ज़िम्मेदारी अदा नहीं करते। यकीन माने यहाँ एक मरतबा खुतबा हुआ था अमानत के मौजू पर, और उस अमानत के मौजू के ज़िमन में ये बात भी आती है कि एक आदमी उस वक़्त तक अमानतदार नहीं हो सकता जब तक अपनी ड्यूटी सही ज़िम्मेदारी से और पूरा वक्त न दे।
ज़रूरत है निकल आएँ, वो आपको आपका चीफ आपका बॉस जो भी है वो इजाज़त देगा निकल आएँ, लेकिन वहीं बैठे हैं, लेकिन कुछ ऐसा अंदाज है कि कहीं छुप कर बैठ गए, अखबार लिया पढ़ने पे लगे हुए हैं, असल काम रुका हुआ है। ये सारी बातें अमानत के ख़िलाफ़ हैं। एक उस्ताद को रखा गया और उस उस्ताद को कहा गया कि तुमने ज़िम्मेदारी के साथ एक घंटा पढ़ाना है, दो बच्चे हैं आधा आधा घंटा, तीन बच्चे हैं, 20-20 मिनट कुछ इस तरह लगा के, और उस्ताद अपनी मर्ज़ी से आए अपनी मर्ज़ी से पढ़ाए, ना वक्त बराबर दे ना इस्लाह करे, सामने बैठा हुआ माँ बाप में से कोई मौजूद है तो फिर और तरह से, और वो मौजूद नहीं है तो किसी और तरह से। ये अंदाज जो है ये गलत अंदाज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस किस्म के जितने भी उस्ताद हैं भाई हैं उनको हिदायत अता फरमाए ताकि वो अमानतदारी से ज़िम्मेदारी अदा फरमाएँ। ये एक पर्ची रह गई है, इसको अगले जुमा पे डाल लेते हैं क्योंकि अभी सवा एक से ज़्यादा वक्त होने को जा रहा है। ये सीरीज़ हैं जो तफसीरुल कुरान का सिलसिला हमारा चल रहा है, उनमें से पहली 19 सीरीज़ पहले वालियम में आप तक पहुंच चुकी हैं और ये 21 सीरीज़ हैं। 21 सीरीज़ की कीमत जो है वो सिर्फ 35 रियाल है, यानी तकरीबन कास्ट रेट कह लें या थोड़ा सा कमोबेश है। तो जिनको चाहिए ये बाहर हमारे आबिद भाई हैं सैयद आबिद साहब, उनसे जाते हुए लेते जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सब लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आशूरा के रोज़े की पिछले जुमा में भी बात हुई थी और मैंने तवज्जो दिलाई थी, इस मरतबा फिर तवज्जो दिला दूं कि आशूरा का रोज़ा 10 तारीख को, और 10 तारीख को एक दिन का रोज़ा रखने का सवाब एक साल के गुनाहों का कफारा है, और सुन्नत ये है कि आप एक दिन पहले यानी 9 तारीख का रोज़ा भी रख लें, और अगर कोई 9 तारीख को रोज़ा रखना मसलन भूल गया तो 10 के साथ 11 का रख ले, क्योंकि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि यहूदियों की मुखालफत करो, खालिफुल यहूद सूमु क़ब्लहु बियौम औ बादहु बियौम, 10 तारीख से एक दिन पहले या एक दिन बाद भी रोज़ा रखें तो ये रोज़ा रखना जो है वो बहुत ही अजर व सवाब का बायस है। लिहाजा 9-10 या 10-11 ये दो रोज़े रखें, ज़्यादा सवाब है 9 और 10 का, दूसरा दर्जा है 10 और 11 का, और तीसरा दर्जा है सिर्फ 10 तारीख का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सब लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। जी।